शुरू करते हैं मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद कर नेमी चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन मैन मान बिन दान धन हे नहीं तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुलिस्तान वेचन प्रकरण अपना इस 21वें आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में चलना है, चौथा और पांचवा गुलिस्तान। ठीक है, यहाँ पर अपने स्मारक में कितने हो चुके, अभी प्रश्नोत्तर ही चालू है। चलिए, बांसवाड़ा का तो पता है, कोटा में शुरू भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जहाँ से अपन शुरू कर देंगे वहीं से शुरू हो जाएगा। और चतुर्थ गुलिस्तान से अपन को प्रारंभ करना है, उसके पूर्व में थोड़ा सा 10-15 मिनट बेसिक स्टार्टिंग से अपन चलते हैं और जल्दी से जल्दी चौथे पर आएंगे, और चौथे से अपन को आगे भी बढ़ना है, नहीं तो ज़्यादातर तो लोग पहले पे ही अटके रहते हैं। पिछले शिविर में अपन ने पहला चालू किया था और पहले ही पे अटके रहे, तो बार बार लोग कहते रहते हैं आप जब भी कई बार आते हैं पहले शिविर में पहले ही पे अटका देते हैं फिर आगे बढ़ते नहीं, तो हमने सोचा कि इस बार दूसरे शिविर में चौथे से अपन जल्दी चालू करते हैं जिससे आगे बढ़ें। और प्रशिक्षण शिविर में विचार है कि सीधा फिर श्रेणी ही चढ़ना है जिससे सीधा का सीधा मोक्ष हो जाए, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा प्लान किया है। शुरू करते हैं गुलिस्तान। गुलिस्तान के बारे में सबको परिभाषा तो पता ही है, गुलिस्तान किसे कहते हैं, मोह और योग के निमित्त से। किसके निमित्त से, मोह और योग दो के निमित्त से। जीव के कौन से गुण लेना है, श्रद्धा और चारित्र गुण। चारित्र गुण, इनकी श्रद्धा और चारित्र गुण की कैसी अवस्था, तारतम्य रूप अवस्था अर्थात हीनाधिक अवस्था, उसको गुलिस्तान कहा है। ठीक है, तो माल इसमें मूल निमित्त गुलिस्तान में दो ही हैं, मोह और योग। मोह सब जानते हैं, मोह मिथ्यात्व भी होता है, राग द्वेष कषायें सब होते हैं, इसमें दर्शन मोह भी आ जाता है और चारित्र मोह भी आ जाता है। दर्शन मोह के निमित्त से, निमित्त की तरफ से कथन करें तो प्रथम चार गुलिस्तानों का कथन किया गया है, और दर्शन मोह की अपेक्षा से, और चारित्र मोह की अपेक्षा से यदि अपन कहेंगे पांचवें से लेकर 12वें गुलिस्तान तक की मुख्यतः से कथन है, और योग की तरफ से यदि अपन बात करेंगे तो 13वां और 14वां गुलिस्तान। इस तरह से मोह के निमित्त से पहले से लेके 12 तक, और योग की मुख्यतः से 13वां और 14वां गुलिस्तान, इस तरह से गुणस्थानों की संरचना होती है। अब ये गुलिस्तान अनादि काल से जीवों के पाए ही जाते हैं, पहला गुलिस्तान तो सभी का होता ही है। पहले गुलिस्तान में जीव अनादि काल से है, और वहाँ से जब यह जीव पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ के बल पर यदि वह अनादि काल से पहले गुलिस्तान में है तो वहाँ से सीधा यदि पुरुषार्थ करे तो अब उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड है कि डायरेक्ट वह चौथे में भी आ सकता है, डायरेक्ट वह पांचवें में भी जा सकता है, और उससे डायरेक्ट यदि अपन देखें तो सातवें में भी जा सकता है।
ठीक है, उपयोग यहीं रखना एकदम, क्योंकि अभी गाड़ी फास्ट चलेगी, हमें जल्दी अपनी मंजिल तरफ जाना है। ठीक है, कोटा वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो सकती है क्या शुरू नहीं हुआ इसलिए ना, कोशिश करना अपन जहाँ अपना विषय शुरू होगा वहाँ से थोड़ा स्लो हो जाएंगे, आराम से चलेंगे। पहले गुण स्थान से, अनादि से कहाँ पर है जीव, पहले गुण स्थान में, और वहाँ यदि जीव पुरुषार्थ करे तो डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वह पहले गुण स्थान से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, यदि थोड़ा सा मंद पुरुषार्थ हुआ तो चौथे गुण स्थान में, थोड़ा सा तीव्र पुरुषार्थ हुआ तो डायरेक्ट पांचवें गुण स्थान में, और यदि तीव्र पुरुषार्थ हुआ तो जीव डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में भी जा सकता है। क्या गजब, लेकिन ये बात पक्की है कि यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो पहले से ना तो दूसरे में जाएगा और ना तीसरे में जाएगा, दूसरे तीसरे में जाते ही नहीं, डायरेक्ट चौथे पांचवें अथवा सातवें में जाते हैं। मान लो कोई जीव ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले गुण स्थान में पुरुषार्थ किया और वे डायरेक्ट सम्यक तो प्राप्त करते हुए, क्या प्राप्त करते हुए, अब समस्या ये होती है कि सम्यक तो में कौन सा, यदि सम्यक दर्शन ये द्रव्यानुयोग का विषय चल रहा होता तो सीधा सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन, वहां कोई भेद नहीं होता है सम्यक दर्शन में, डायरेक्ट जब भी बात चलती है तो क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन। कभी भी आपने समय सारी कक्षा में बैठे हो, कहीं और द्रव्यानुयोग का कोई ग्रंथ चल रहा हो तो वहां पर सीधा सम्यक दर्शन की बात आती है, बालबोध में भी पढ़ाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वहां किसी ने ऐसा भेद खड़ा किया कि कौन सा सम्यक दर्शन, वहां एक ही अभेद सम्यक दर्शन की बात होती है, दूसरे आदि सम्यक दर्शन की बात नहीं होती है। लेकिन जब कर्णानुयोग का विषय चलता है तो वहां पर सम्यक दर्शन जहां कहा जाता है वहीं प्रश्न खड़ा हो जाता है, सम्यक दर्शन कौन सा, क्यों ऐसा प्रश्न खड़ा क्यों हुआ, क्योंकि यहां जो सम्यक दर्शन के प्रकार हैं उनमें बहुत तरह का विविधता हो जाती है, बहुत तरह की विविधता हो जाती है, यदि सम्यक दर्शन बताया नहीं जाए तो पता नहीं चले कि क्या होना है। यदि यहां पर यह जीव पहले गुण स्थान से डायरेक्ट चौथे में पांचवे में अथवा सातवें में जाता है अनादि मिथ्या दृष्टि, तो कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ये बताना पड़ेगा। आप सीधा डायरेक्ट सम्यक दर्शन से काम नहीं चला सकते, यहां भेद खड़ा करना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन के पहले हमें भेद जानना पड़ेंगे, कर्णानुयोग की दृष्टि से सामान्य रूप से कितने भेद हैं, तीन सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के तीन भेद, पहला औपसम्यक, दूसरा शायोसम्यक और तीसरा शायक। सबको याद है, ठीक है एक बार दोहरा लें, पहला औपसम्यक, दूसरा शायोसम्यक और तीसरा शायक। ये तीन प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, और तीन प्रकार के सम्यक दर्शन में जब भी कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि, जब भी यदि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वह होगा औपसम्यक सम्यक दर्शन। कौन सा, औपसम्यक सम्यक दर्शन। औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो चाहे चौथे में आया, चाहे पांचवे में आया अथवा सातवे में आया। अब औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय ही, जिस समय औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसी समय दर्शन मोहिनी में कुछ हलन चलन हो जाती है, क्या हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, क्या हो जाता है भिंड वाले, योनिंग ले रहे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे क्या क्या होना है, है? क्या बोले सुलभ, क्या नाम, आयु, सॉरी, हाँ क्या बोले, हाँ जब सम्यक दर्शन होता है, संयम, अरे क्या संभव, थोड़ी भूलने लग गए, जल्दी जल्दी बार बार मिलना पड़ेगा, है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन मोहिनी में हलचल मच जाती है, हलचल मच जाती है, एक तरह से सामान्य रूप से कहें तो दर्शन मोहिनी कर्म दब जाता है, कैसा हो जाता है, दब जाता है, और दबने के साथ उसमें एक काम और होता है, कौन सा काम होता है, दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, कितने, तीन हो जाते हैं, तो कौन कौन से तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इतना तो सबको बेसिक पता ही है, ठीक है, यहां से बेसिक से शुरू करेंगे और डायरेक्ट हमें पहुंचना है। सम्यक दर्शन हुआ, कौन सा सम्यक दर्शन, औपसम्यक सम्यक दर्शन, औपसम्यक सम्यक दर्शन जिस समय हुआ उसी समय दर्शन मोहिनी दबा भी और साथ में उसमें क्या हो गया,
तीन टुकड़े हो गए। तीन टुकड़ों के नाम क्या बताए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीन टुकड़े हो गए। अब औपसम्यक सम्यक दर्शन कितनी देर तक रहता है ये हमें जानना जरूरी है। कितनी देर तक? एक अंतर मुहूर्त तक। कितने? एक अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त तक औपसम्यक सम्यक दर्शन रहता है और एक अंतर मुहूर्त के बाद नियम से, एक अंतर मुहूर्त के बाद नियम से छूटता ही है। क्या होता है? नियम से। कई लोग इसका अर्थ ऐसा निकाल लेते हैं, क्या निकाल देते हैं कि औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो नियम से छूटता ही है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि वह नियम से पहले गुण स्थान में जाता है। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है। कहां जाता है? पहले में जाता है, ऐसा कई लोग मान लेते हैं। लेकिन छूटने का अर्थ ये नहीं है कि पहले ही में जाता है, छूटने का अर्थ है कि छूटता है। क्या बोले? छूटने का अर्थ क्या है? छूटता है। छूटने का अर्थ है? अच्छा, तो दोनों में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है। छूटने का अर्थ अलग है और पहले में जाता है ये अलग चीज है। पहले में जाता है सीधे मिथ्यात्व भेज दिया, और छूटने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन तो छूटता है लेकिन पहले में ही जाए गारंटी नहीं है। पहले में भी जा सकता है, ऑप्शन है। तीसरे में भी जा सकता है, यदि चौथे में हो तो चौथे में ही बना रह सकता है, ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर से बोलता हूं एक बार। सम्यक दर्शन हुआ कितनी देर तक? अंतर मुहूर्त। कौन सा सम्यक दर्शन? औपसम्यक सम्यक दर्शन। कितनी देर तक रखा? एक अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त तक रहता है और उसके बाद नियम से औपसम्यक सम्यक दर्शन छूटता ही है, नियम से। लेकिन छूटने का मतलब पहले में जाता हो ऐसा नहीं। पहले में जा सकता है, कंडीशन है, लेकिन पहले में जा सकता है कैसे? अथवा तीसरे में जा सकता है ये कैसे? अथवा चौथे में यदि हो तो चौथे में ही रह सकता है, बना रह सकता है कैसे? कैसे? दर्शन मोहिनी के कितने टुकड़े हुए थे? तीन टुकड़े। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक। यदि जो पहले नंबर का टुकड़ा है, क्या नाम इसका? मिथ्यात्व। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वह जीव नियम से, अब लगा दो नियम, अपेक्षा लगाई, देखो नए चक्र तो इधर भी चालू है। कई लोग कहते हैं कर्णानियोग में नए नहीं लगता, कर्णानियोग में अपेक्षाएं नहीं लगती। ठीक है, जहां नहीं लगती वहां नहीं लगती। जम्बूद्वीप कितना, उसका व्यास कितना? 1,00,000, इतना ही है ना? कितना? 1,00,000 योजन का है। सुमेरु पर्वत कितना? 1,40,000 योजन। इसमें क्यों क्यों लगा सकते हैं? इसमें कोई क्यों नहीं लगेगा, इसमें तो जितना है उतना है, ये हेतु वादागम। लेकिन कर्णानियोग के जो कुछ पार्ट्स हैं, गुणस्थान आदि, इसमें तो हेतु लग सकता है, जहां लग सकता है वहां लगाएंगे। कहीं ऐसी भी स्टेज आती है जहां पर नहीं लगता है। ठीक, तो अब यहां पर बात है कि जो जीव औपसम्यक सम्यक्त से, मान लो चतुर्थ गुण स्थान में था, वहां से औपसम्यक सम्यक्त का काल पूरा हुआ और वहां से जब गिरता है अथवा छूटता है, तब वह है, यदि उसके मिथ्यात्व का उदय आएगा तो नियम से पहले गुण स्थान में ही जाता है। कहां जाता है? पहले में ही जाता है। अब दर्शन मोहिनी के दो टुकड़े और हैं, कौन से? सम्यक मिथ्यात्व। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो यह जीव नियम से तीसरे गुण स्थान में ही जाता है अपेक्षा, और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो वह जीव चौथे में यदि था तो चौथे में ही रहे, मात्र सम्यक तो बदल जाता है। अभी सम्यक दर्शन कौन सा था? औपसम्यक। अब सम्यक दर्शन हो जाएगा क्षयोपसम्यक। कौन सा हो जाएगा? क्षयोपसम्यक। इस तरह से औपसम्यक सम्यक का काल जब पूरा होता है तब उसके लिए जाने के तीन रास्ते हैं। ओके, एक रास्ता और है वैसे, पहले शिविर में पढ़ने जाना था। कौन सा? कहां जाने के लिए? दूसरे गुणस्थान में जाने के लिए। दूसरे गुणस्थान की तो बात की नहीं, तो
तो दूसरे गुणस्थान में कब जा सकता है उसके लिए थोड़ा सा नियम अलग है। क्या नियम अलग है? औपसम्यक सम्यक दर्शन का कितना काल था? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त काल पूरा कंप्लीट होने के पहले ही, अभी तो कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट होने के पहले ही यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, किसका? अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, तब यह जीव नियम से दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। ओके, क्लियर है क्या? फिर से बोलूं? फिर से बोलता हूं, बोल सकते हो ना, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोलता हूं, कितने रास्ते हो गए? चार। पहले जीव सबसे पहले कहां था? शुरू से कर दो कहानी शुरू, कहां था? पहले गुणस्थान में, अनादिकाल से पहले गुणस्थान में। अब वहां से उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? सम्यक दर्शन। कौन सा करेगा? औपसम्यक करेगा। अनादि का है तो औपसम्यक ही करेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। औपसम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कितनी देर तक रहेगा? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त बाद औपसम्यक सम्यक दर्शन नियम से छूटता ही है। अब औपसम्यक सम्यक दर्शन छूटा तो उसके बाद नियम से छूटते ही जो दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हुए थे, दर्शन मोहिनी के उन तीन में से किसी एक का उदय आएगा, नियम से आएगा। यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले गुणस्थान में जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुणस्थान में जाएगा, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो मान लो चौथे में था तो चौथे ही में रहेगा। तीन ऑप्शन हो गए, एक चौथा और कौन सा? औपसम्यक सम्यक दर्शन का काल जो अंतर्मुहूर्त कहा वो पूरा होने से पहले, पूरा होने से मान लो उदाहरण के लिए एक मिनट का था, कितने मिनट का माना, कितने मिनट का था? एक मिनट का था। और मान लो 55 सेकंड तक औपसम्यक सम्यक दर्शन में रहा, और कितने सेकंड बचे? पांच। ये इतने समय जो सेकंड बचे हैं उतने में ही अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, अब उसमें से कोई भी क्रोध मान मायालु किसी का उदय आ जाए, तो वह जीव नियम से कहां जाएगा? दूसरे गुणस्थान में ही जाएगा। चार हो गए, चार गुणस्थान का कोर्स अपना नीचे नीचे तक का हो गया। अब अपन को बढ़ना है सीधा, कहां पहुंचे थे अपन? चौथे पे। चौथे पर पहुंचे, कोई जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में मान लो पहुंचा, चौथे गुणस्थान में जाकर अब उसकी स्थिति क्या होती है, वह कैसा होता है, उसकी भूमिका क्या है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, कषायों का किस तरह से उसके उदय अनुदय होता है, मिथ्यात्व का उस समय क्या होता है, उसके संयम आदि को होते हैं कि नहीं होते हैं, वह व्रतादिक अंगीकार करता है कि नहीं करता है, और उसके परिणामों का फल क्या क्या होता है, इन सब की चर्चा हमें सामान्य रूप से करना है। ये बात पक्की है कि यदि चौथा गुणस्थान प्राप्त हो गया, जिस जीव को चौथा गुणस्थान एक बार प्राप्त हो गया नियम से, अब वह मोक्ष जाएगा ही, नियम से मोक्ष जाएगा ही। अब कब जाएगा? कब जाएगा? जा तो कभी भी सकता है, उसी भाव में जा सकता है, अगले भाव में जा सकता है, 10-20 भाव बाद जा सकता है, 100,000,00,000,00,000 भाव बाद जा सकता है, लेकिन जाएगा जरूर, ये बात पक्की हो गई। अब इस जीव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों की भी हमें चर्चा करना है। उसके पहले अपन इस गुणस्थान का हम नाम जानने का प्रयास करते हैं, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है। ठीक है, क्यों भाई, अभी तो शुरुआत है। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अरे एक वो था ना सजल, कौन सी क्लास में है वो? सेकंड ईयर चला गया क्या? हाँ नो हटा कौन था? अच्छा चला ही गया क्या? चलो कोई बात नहीं। चौथे गुणस्थान का नाम, नाम क्या है? अविरत सम्यक्त। अविरत
सम्यक्त, ठीक है। यहाँ अपन ने कोशिश की थी कि यदि प्रोजेक्टर लग जाता तो सब अपन उस पर चलाते तो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाता, अब वो नहीं हो पाई व्यवस्था, नहीं तो है यदि हो जाए व्यवस्था तो बहुत बढ़िया, सीधा लगा देंगे और आपके सामने एक एक चीज़ आती चली जाएगी और यहाँ से बस समझाते जाएंगे और वहाँ आपके नोट्स सामने, चार्ट वार्ट सारा कंप्लीट है, हो जाए व्यवस्था तो कराइए, ठीक है। अविरत सम्यक, तो अविरत का मतलब क्या होता है और सम्यक्त का मतलब क्या होता है? अविरत का सब जानते ही हैं, आ माने नहीं और विरत माने व्रत धारण करना, अंगीकार करना, और अविरत का मतलब हो गया जिसकी कोई भी अभी व्रत नहीं है, कोई भी व्रत ना तो अणुव्रत हैं और ना महाव्रत हैं, जिसके कोई व्रत ना हो उसे कहते हैं अविरत, अविरत। और सम्यक, सम्यक्त का मतलब होता है जो सम्यक दर्शन से सहित है, मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव अभी भले ही उसके अणुव्रत नहीं होते, महाव्रत नहीं होते, लेकिन अणुव्रत महाव्रत नहीं होने पर भी वह सम्यक्त से सहित होता है, इस कारण से वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा अपन को करना है, इसमें आपके गुणस्थान विवेचन में भी परिभाषाएं दे रखी हैं, उन परिभाषाओं के आधार से भी अपन चर्चा करेंगे, आप देखते जाएं, मैं कुछ खास बिंदु बस पे चर्चा करता हूं। एक परिभाषा दी है, जो इंद्रिय विषयों से तथा त्रस स्थावर की हिंसा से विरत नहीं है किंतु जिनेन्द्र देव कथित तत्व का श्रद्धान करता है वह अविरत सम्यक दृष्टि है, ठीक है। क्या बोली परिभाषा, पेज नंबर बोलो, 108 परिभाषा भी, पेज नंबर भी कितना बढ़िया, 108। जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो, जो प्राकृत में भी लिखा, रो इंदियेसु विरदो रो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दहदि जिणोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो, ऋणो इंदियेसु विरदो, ऋणो माने नहीं, इंदियेसु विरदो माने इंद्रियों के विषयों से जो विरक्त है, माने जो इंद्रिय विषयों से अभी विरक्त नहीं हुआ है, और ऋणो जीवे थावरे तसे वापी कि वह दो प्रकार के जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं हुआ है, कौन कौन से दो प्रकार के जीव, थावरे तसे, थावरे माने स्थावर और तसे माने त्रस, तो त्रस और स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज जरूर हो गई है उसके, तो अभी दो काम तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए, कौन कौन से, इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं हुआ और त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं हुआ, तो ना एक तरह से इंद्रिय संयम है और ना प्राणी संयम है। अब ये ना होते हुए भी एक चीज उसके पास है, कौन सी चीज है, जो सद्दहदि जिणोत्तम, के जो सद्दहदि माने श्रद्धान करता है, किस में श्रद्धान करता है, जिणोत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उक्तम माने जो कहा गया है, जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व कहा है, वस्तु स्वरूप कहा है, सात तत्व छह द्रव्य नौ पदार्थ आदि का जो कथन किया है, उन सब में श्रद्धान करता है कि तत्व यही है, ऐसा ही है, नहीं और नहीं और प्रकार, ऐसा ही है बस, ठीक है। श्रद्धान भी बिल्कुल सम्यक रहता है, ज्ञान भी सम्यक रहता है, रत्नगण श्राव के चार तो पढ़ चुके होंगे ना सब, एदमे वेत दृशम चैवे तत्त्वम नान्यन्य चान्य था इत्य कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि, इतना बढ़िया, माने संशय भी नहीं, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान रहता है, ऐसा अटल श्रद्धानी वह कहलाता है जो सद्दहदि जिणोत्तो, जो वह
जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित तत्व में श्रद्धान करता है, और उसमें भी अन्यूनम अतिरिक्तम, नाथा याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेदे यदा होस्तज ज्ञान मागमिना। ये भी तो पढ़ लिया होगा सम्यक ज्ञान की चर्चा में, कि ना तो न्यून और ना अधिक, बिल्कुल जैसा है वैसा ही जानता है, वैसा ही श्रद्धान करता है और वैसा ही ज्ञान करता है, जानता है। जो सद्दहि जिणोत्तो, जो जिनेन्द्र भगवान के तत्व में श्रद्धान करता, यथावत प्रतीति करता है, निर्णय करता है, वो जानता है कि मैं जीव हूँ, मेरा स्वभाव जानना देखना है, जानने देखने के अलावा अन्य कुछ भी करना धरना मेरा स्वभाव नहीं है। परद्रव्यों का मैं कुछ कर सकता हूँ, परद्रव्यों का को मैं भोग सकता हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, इस तरह की मान्यता भी उसे जीव के नहीं रहती है। ऐसा अंदर से श्रद्धान हो गया विषयों के प्रति, बाहर में भोगता हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से विरक्त हो जाता है। भरत चक्रवर्ती जैसा कार्य कि भरत जी घर ही में बैरागी, बाहर का सब भोगते हुए दिखाई देते थे लेकिन बाहर के भोग भोगते हुए दिखाई देने पर भी अंदर से भोगों के प्रति आसक्ति नहीं थी। आसक्ति खत्म हो जाती है, इस तरह की श्रद्धा इन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के भी हो जाती है। जो सद्दहि जिणोत्तम सम्मा इट्ठी है, और सम्मा इट्ठी के साथ अविरदोसो, तो इसका नाम पूरा क्या हो गया, अविरद सम्यक दृष्टि, यही तो उसका नाम है। तो इस तरह से एक परिभाषा तो ये दी है चतुर्थ गुण स्थान की। दूसरी परिभाषा ये तो हो गई थोड़ी चरणानियोग जैसी, चरणानियोग की मुख्यता जैसी हो गई, ठीक है। यद्यपि गोमर सार में लिखी है तो ऐसा लगता है कर्णानियोग की होना चाहिए, लेकिन थोड़ी चरणानियोग परक है, क्योंकि पांच इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हुआ और हिंसा से ही विरक्त नहीं हुआ, इसलिए चरणानियोग की मुख्यता जैसी लिए हुए है। अब दूसरी परिभाषा कर्णानियोग वाली परिभाषा, कैसी परिभाषा देखें, सत्तर्णम ओ समदो, मिल गई क्या था, सत्तर्णम उव समदो उव सम सम्मो खयादु खयोए विदिये कसा युद्यादो असंजदो होदि सम्मोए। मतलब क्या हुआ इसका, सत्तर्णम उव समदो, सत्तर्णम माने सात, सात के उव समदो माने उपसम से, सात के उपसम से, ये क्या चीज है सात, क्या है सात, सात प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी सात, अनंत अनुबंधी की चार, और तीन कौन सी, दर्शन मोहिनी की तीन, तो चार और तीन सात। इन सात प्रकृतियों के उपसम दो माने उपसम से, सातों प्रकृतियों का उपसम हो गया, एक काम हो गया, अथवा दूसरा उपसम सम्मो, इससे तो कौन सा सम्यक तो होगा, औपसमिक सम्यक, खयादु खयोए, खयादु शब्द भी कैसे, क्या गजब गजब है, खयो जैसे खा लो, माने एक तरह से वो इनको खाई गया है, खा गया माने नष्ट कर दिया है, किसको, सात प्रकृति, जैसे एक वो छंद है ना, खामेमी सब्य जीवाणम, है ना, शब्द ऐसा लगता है जैसे खा में भी मैं सब जीवों को खाता हूँ, वहाँ खाता हूँ तो है नहीं अर्थ, क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसे ही है शब्द, ऐसे यहाँ क्या बोले, उपसम सम्मो खयादु खयादु खयोए, खयात माने क्षय से, कौन सा सम्यक होता है, क्षायक सम्यक होता है, सात प्रकृतियों के उपसम से और समय सम्यक दर्शन होता है, और सातों के क्षय से क्षायक सम्यक दर्शन होता है। अभी सामान्य विवक्षा से ही कथन समझना, ठीक है, इसमें बहुत और भी नियम हैं, इतना सामान्य, सात के उपसम से औपसमिक, क्षय से क्षायक, या और लगा है उससे चार से क्षय उपसमिक सम्यक तो भी अर्थ निकाल लेते हैं, तो वहां पर इन सातों प्रकृतियों में क्षयोपम की व्यवस्था भी बैठा सकते हैं। इनमें क्षयोपम की व्यवस्था कैसे बैठाएंगे,
चार और दो छः, छः का तो लेना है, शब्द कठिन आएगा थोड़ा, ठीक है, उदयाभावी क्षय, पहली बार तो नहीं सुना, सब है ना इधर, इतना तो सुना ही होगा ना सबने, कौन सा शब्द, उदयाभावी क्षय एक, और एक शब्द और है सदवस्था रूप उपशम। इनको इतना यदि कठिन लगे, वैसे तो इस स्टैंडर्ड में कठिन नहीं लगना चाहिए, समझ नहीं है, सीधा यदि इनको कहें तो अनुदय कह दो, क्या कह दो, अनुदय, क्या कह दें, अनुदय, कितनी प्रकृतियों का, छह प्रकृतियों का, अनंत अनुबंधी चार और मिथ्यात सम्यक मिथ्यात ये दो, छह, इन छह का तो अनुदय, अथवा दूसरी भाषा में कहें उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, इन छह का तो हो गया, और फिर एक प्रकृति बची कौन सी, सम्यक प्रकृति का होगा उदय। इस समय जो कंडीशन बनेगी, जो अवस्था बनेगी, उसको कहेंगे शायोपसमिक सम्यक, कौन सा सम्यक, शायोपसमिक सम्यक। तो यहां पर बात चल रही है सात प्रकृतियों के उपशम से, कुछ चिंतन, ऐसे सीरियस से क्यों हो रहा, नहीं कई बार ऐसा होता चिंता मग्न हो जाते, क्या पढ़ा रहे, कौन सी भाषा, तुम तो होशियार हो मुझे पता है, माने कोई कोई ऐसे रहते हैं जो एकदम नए नए से हो पहली बार, कहाँ के फंसे, जो श्रोता होते ना कई बार प्रशिक्षण शिविर में चलती ना क्लास, अब शाम को 6:30 बजे के टाइम पे चलती, एक ही क्लास चलती है, कोई ऑप्शन हो तो कहीं दूसरी जगह जाएं, ऑप्शन भी नहीं मिलता, सब घूम फिर के उसी में आ जाते हैं, अब सब आ गए, ये क्या चल रहा है, ऐसे देख कौन सी भाषा में, ये हम तो सोचते थे शिविर लग रहा है धर्म का, ये तो पता नहीं कौन सा शिविर लग रहा है, एकदम जो नए नए होंगे उनको तो ये बॉम्ब ब्लास्ट से पढ़ते हैं, हैं नहीं पढ़ते, कौन कौन से शब्द, उदयाभावी क्षय सदवस्था रूप, मैंने पता ही नहीं चले क्या बोल रहे हैं, ऐसे शब्द हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आते हैं तो समझ में आने से जो मजा आता है वो तो वही जान सकता है जिसको समझ में आ गया हो, है ना, ठीक है। तो इनके उपशम से हो गया औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय उपशम से हो गया क्षयोपशमिक, और क्षय से हो गया क्षायिक सम्यक दर्शन, और साथ में एक नियम और, कौन सा, विदीय कसा युदयादो, विदीय कसा, विदीय माने दूसरी, विदीय माने दूसरी कसाय का उदय, तो दूसरी माने कौन सी, मान, पहली कसाय क्रोध, दूसरी कसाय मान, तीसरी माया, चौथी लोभ, इनमें से कौन सी लेना, द्वितीय, अरे वाह यार तुम लोग तो होशियार हो, द्वितीय कसाय का मतलब अप्रत्याख्यानावरण कसाय, क्यों, द्वितीय कसाय तो मान होती है, यहां पर बालबोध नहीं चल रहा है, यहाँ पर गुलिस्तान चल रहा है, इसलिए यहाँ क्या कहा जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, बालबोध की क्लास चल रही होती तो वहाँ दूसरी कसाय मतलब मान हो जाता, लेकिन यहाँ चल रही गुलिस्तानी क्लास तो यहाँ द्वितीय कसाय का मतलब अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय, क्योंकि पहली कसाय है अनंतानुबंधी, दूसरी कसाय अप्रत्याख्यानावरण, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से असंजदो होदी सम्मोए, वह असंजदो असंयत होता है, असंयत कहो सामान्य रूप से अविरत कहो, होने को सूक्ष्म अंतर उनमें भी है, लेकिन सामान्य रूप से असंयत कहो अथवा अविरत कहो, दोनों एक ही बात है, असंजदो होदी सम्मोए, सम्मोए माने सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि कहलाता है, ठीक है। वहां पर क्या कहा था पिछली गाथा में, सम्मादिट्ठि अविरदोसो, वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है, और यहां क्या कहा है, असंयजदो होदी सम्मोए, के असंयत सम्यक दृष्टि कहलाता है, तो अविरत सम्यक दृष्टि कहो अथवा असंयत सम्यक दृष्टि कहो, दोनों एक ही बात है, चतुर्थ गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक कहो अथवा असंयत सम्यक दृष्टि कहो।
अच्छा, समय तो अपना हो गया, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट हैं अपने पास। कोई प्रश्न हो जल्दी से पूछें, तुरंत उत्तर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास अपनी कल। सरल हो तो सरल भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि कठिन ही पूछना है, कठिन हो तो कठिन। और कई लोग तो निसंग के समय, क्या करना है, हो गया ना, वैसे ही इनको हो गया, चौथे वालों को तो हमें भी हो गया जी। क्या विषय योजना? अभी विषय योजना तो अपना ये अभी चल नहीं रहा, होने को भी बता देंगे, लेकिन अभी प्रकरण के अनुसार चलने दें, नहीं तो उलझ जाएगा विषय। क्या बोले? हाँ, शायव सम्यक सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है, ठीक है, वो तो क्लियर है। हाँ, और कुछ जल्दी से? कोई नहीं, इस बार संख्या ज्यादा सी लग रही है, अपने पिछले शिविर में थोड़े कम से दिख रहे थे, है ना, आधे गायब हो जाते होंगे शिविर में। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जुलाई अगस्त वाले शिविर में, वो क्या वो वाले शिविर में थोड़ा ऐसा भी रहता ना, कोई कोई इधर उधर भी हो जाते होंगे व्यवस्थाओं में, ऐसे भी नहीं दिखते होंगे, जैसा कहना हो सब मान लेते हैं। कोई प्रश्न? टाइम? हाँ बस, बहुत बढ़िया। सद अवस्था रूप उपशम, यस, लिसन, ग्रुप डिस्कशन नहीं, ग्रुप डिस्कशन के लिए परमिशन नहीं है, सिर्फ मुझसे बात करो। बराबर ऐसे ही है, यदि इनका प्रश्न है औपसम्यक सम्यक दर्शन में जो जी पहुंचा और सम्यक दर्शन का काल समाप्त, उसके बाद नियम से या तो पहले में जाएगा या तीसरे में, या फिर सम्यक तो बदल जाता है, तो यदि चौथे में है तो सम्यक तो बदलने का मतलब शायोपसम्यक ही होगा, शायक में नहीं जाएगा अभी, शायक में अभी नहीं जाएगा, न द्वितीयोपसम होगा, एक ही ऑप्शन, कौन सा, औपसम्यक से शायोपसम्यक सम्यक, बस। प्रथमोपशम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो औपसम्यक की बात कर रहे थे वही प्रथमोपशम है। जिसको अभी अपन औपसम्यक कह रहे थे उसका नाम ही प्रथमोपशम है, और फिर जब बदलेगा तो शायोपसम्यक हो जाएगा। ओके, टाइम अप, क्योंकि अगली क्लास तो अभी है ही नहीं, ब्रेक है, ठीक है। हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, चाय? अच्छा, मैंने चाय वाला क्वेश्चन है कोई, चलिए अभी अपना समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।